हमीरपुर में यमुना और बेतवा ने रौद्र रूप धारण करते हुए खतरे की निशान को पार कर लिया है और अब दोनों नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। प्रशासन ने यहां बीते दिन ही अलर्ट जारी करते हुए राहत शिविरों का बंदोबस्त कर लिया था। नदियों का जलस्तर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अगर यही स्पीड रही तो बहुत जल्द जिले के 2 दर्जन गांवों को खाली करते हुए लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों नदियों पर केंद्रीय जल आयोग और बाढ़ चौकियां नजर बनाए हुए है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। नदियों में बाढ़ आने की वजह माता टीला लहचूरा बांध से 5 लाख क्यूसिक पानी बेतवा में छोड़ा जाना और धौलपुर से 10 लाख क्यूसिक पानी यमुना में छोड़ा जाना है, तो वहीं कुछ इलाके को प्रभावित करने वाली के नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमीरपुर को सबसे ज्यादा बेतवा नदी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित होते हैं और अब जब बेतवा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और इसका पानी 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, तब मुख्यालय के 13 गांव में खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं पुराने बेतवा घाट और यमुना घाट की तरफ नदी का पानी रुक कर चुका है और तमाम घर जलमग्न हो गए हैं। इन साल बाढ़ आई, हर साल आती है तो पूरा घेर लेती है, पूरे मकान गिर जाते हैं। मेरा भी कच्चा मकान उस तरफ गिरा है। न यहाँ लाइट कटी है, न यहाँ पानी व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ, हमारी गृहस्थी बर्बाद, हमारे मकान बर्बाद, हम कहाँ जाए? ये कब तक झेलेंगे भाई? 8 महीना बनाओ, 2 महीने में पूरा बर्बाद ही। प्रशासन द्वारा कोई हमें मदद कुछ नहीं देख रहे, कोई यहाँ देखने आता ही नहीं है। न कोई कर्मचारी है, न चेयरमैन, न मेम्बर, यहाँ कोई नहीं आते। घर तो चटके पड़े हैं, डर लगता है कि क्या करें, कहाँ न करें, किसके दुहारे जाएं। लाइट कटी, पानी लाइट नहीं आ रहा। कट गई, पानी नहीं आ रहा। प्रशासन द्वारा क्या मदद की जा रही है? कोई नहीं मदद कर कोई नहीं आता मदद करे। यमुना नदी में आई बाढ़ से कुछ इलाकों में भीषण कटान होना शुरू हो गया है, जिसको रोकने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन यहां ग्रेनाइट बोल्डर डलवा कर कटान को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है, तो वही नदियों का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। जो अभी लेवल है उस हिसाब से हमने शाम तक ये बताया, अलर्ट दिया है कि जो संगम के आसपास के गांव हैं, 12-13 गांव, वो इफेक्ट होंगे। और अगर 106 से ऊपर निकल जाएगा तो 25-26 गांव इफेक्ट में आ जाएंगे। शहर में भी 2 जगह से पुराने बेतवा घाट और यमुना घाट से पानी घुसने लगा है। हाँ हाँ, वो तो शहर में क्या सिचुएशन बनेगी? शहर में अंदर तो इस तरह से पूरा तटबंध सुरक्षित है और हमने पूरा व्यवस्था कर रखी है, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो निचले एरिया में है तो उनका तो पानी आएगा। उनके सिंह मैसरी पे कटान पे हमने पूरा व्यवस्था कर रखा है, वहाँ पे बोल्डर हमने मंगा रखा है। तो लेकिन क्योंकि और बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, उसमें बोल्डर हमने डालते भी रहते हैं, तो वहाँ कटान और नहीं होगा।